हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जी, आज मैं फिर एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलिए, आइए हम अपनी न्यू वीडियो का करते हैं आगाज। तो आज की जो वीडियो है ना, वो बेसिकली इस कंटेंट पे है, आपके हेयर्स के कंटेंट पे है। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे डिमांड की है कि आप हेयर फॉल पे वीडियो बनाएं, हेयर्स पे वीडियो बनाएं, हेयर ग्रोथ पे वीडियो बनाएं। आप हमें बताएं कि कैसे हम अपने हेयर्स को खूबसूरत बनाएं, कैसे हम अपने हेयर्स को गिरने से रोकें। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपने हेयर्स को हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं, और आप हमसे शेयर करें ऐसी बातें कि हम उनको यूज़ करके अपनी लाइफ में, अपने हेयर्स में बहुत चेंज लेकर आएं। तो बहुत सी लड़कियों की ऐसी फरमाइशें थीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए और उन गर्ल्स को, उन लेडीज़ को और उन बॉयज़ को खुश किया जाए ये वीडियो बना के, ताकि वो भी अपने हेयर्स हेल्दी कर सकें और ग्रो कर सकें और अपने हेयर फॉल को भी कम कर सकें। ठीक है, तो हर चीज़ तो मैं इस वीडियो में आपको शेयर नहीं करूँगी, ऐसा ऐसा इस वीडियो का ये पार्ट वन है, तो पार्ट टू भी बनाऊंगी और पार्ट थ्री भी बनाऊंगी। तो उसमें आपको पता चलता जाएगा कि आखिर हम अपने हेयर फॉल को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आज इस वीडियो में। ठीक है, कौन नहीं चाहता कि सबके बाल खूबसूरत हों, हेल्दी लगें, हसीन लगें और खिले खिले हुए लगें, निखरे हुए लगें। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। ठीक है, आप सब चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे लगें, अट्रैक्टिव लगें और एडोरेबल लगें। तो बस आप ये जो टेंशन है ना, ये मैं आज करने आई हूँ ख़त्म। ठीक है, तो चलिए आइए हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, और मैं बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने बालों को खूबसूरत, अट्रैक्टिव, लॉन्ग और हेयर फॉल से बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आपको क्या करनी है, ऑयलिंग करनी है अपनी हेयर्स में। जी हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पे जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग ऑयलिंग नहीं करते, मतलब वो समझते हैं कि ऑयलिंग तो कुछ है ही नहीं। मैंने बहुत सी गर्ल्स को, बहुत से बॉयज़ को देखा है कि वो लोग अपने हेयर्स में ऑयलिंग ही नहीं करते। वाई, आप लोग ऑयलिंग क्यों नहीं करते? कोई भी ऑयल यूज़ करें, सरसों का यूज़ करें आप, कोकोनट ऑयल यूज़ करें आप, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, कोई भी ऑयल यूज़ करें, बट करें तो सही, उसको यूज़ तो करें। कहते हैं नहीं भाई, हमने तो कभी ऑयल नहीं लगाया, हम तो वीक में एक बार लगाते हैं, हमें तो नहीं लगाना, हमारे हेयर्स तो ऑयल के बगैर ही सही हैं, हमें तो आदत नहीं है। नहीं भाई, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना, आप लोगों को ऑयल लगाना है। सबसे मेन चीज़ ही तो हेयर्स की ऑयल है। सपोज़ करें, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अगर अपने जो आप खाना कुक करती हैं, आप उसमें ऑयल नहीं डालेंगी, तो क्या आप कभी खाना कुक कर सकेंगी, या वो खाना उतना अच्छा बन सकेगा ऑयल के बिना? कभी नहीं, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना खाना बनाने की, वो ऑयल ही है। तो एग्जाम्पल यही है हेयर्स की, कि जो हेयर्स की जो ग्रोथ है ना, वो सबसे पहले ऑयल पे ही डिपेंड करती है। और अगर आप कहते हैं कि हम अपने हेयर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट आता है ना, वो ऑयल ही आता है, कि आपको ऑयलिंग अच्छे से करनी है, आपको हेयर्स में तेल अच्छे से लगाना है, अपने हेयर्स में लगाना है और उनको ग्रोथ करने के लिए ऑयल अच्छा वाला लगाना है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी उठा के कोई भी ऑयल लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं लगाती हूँ सरसों का ऑयल, सरसों का तेल, मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ और वो बहुत कमाल का तेल है। आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि जिन लड़कियों को अपने बाल सही करने हैं, ग्रो करने हैं, वो सरसों का ऑयल यूज़ करें। सरसों का ऑयल अगर किसी ने नहीं देखा है, तो मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि ऐसा होता है सरसों का ऑयल। ठीक है, मेरे पास इतनी बड़ी बॉटल है, मैं इसको छोटी बॉटल में डाल के भी रखती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ, और मेरे पास इतनी बड़ी बॉटल है, तो आपको भी जितना लेना है आप ले लें। तो आप सरसों का ऑयल यूज़ करें, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल का ऑयल है। ये उन गर्ल्स के लिए भी अच्छा है जिनकी रिबॉन्डिंग हुई भी होती है, एक्सटेंसो हुआ हुआ होता है। मैंने एक्सटेंसो करवाया था, तो मुझे पार्लर वाली ने सजेस्ट किया कि आप कोई और ऑयल यूज़ नहीं करेंगी, जस्ट आपको सरसों का ऑयल यूज़ करना है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को भी कोई और ऑयल यूज नहीं करना, चाहे आपने एक्सटेंसो करवाया हो, चाहे नहीं करवाया हो, चाहे रिबॉन्डिंग करवाई हो, चाहे नहीं करवाई हो, आप लोगों को सबसे पहले यूज करना है सरसों का ऑयल। और सरसों का ऑयल जो है ना, वो आपको नाइट में लगाना है। नाइट में लगा के, पूरी नाइट लगा के आपको सोना है। और सोने के टाइम ऑयल पहले आप लगाएंगी, ऑयल ऑयल लगा के आपने अपनी बांध देनी है ब्रेड, जो ब्रेड यूं यूं करके बनती है ना, आपने ये ब्रेड बांध देनी है पूरे हेयर्स में। पहले पूरे हेयर्स में आपको ऑयल लगाना है। और ऑयल जो हेयर्स में लगाया जाता है ना, लोग कुछ ऊपर ऊपर लगा देते हैं, यूं 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 यूं, और यूं करते हैं यूं करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑयल नहीं लगाना होता, आपने अपने रूट्स के अंदर लगाना है। काफी लोगों को तो ये बात भी पता नहीं है कि रूट्स के अंदर से ऑयल लगाना होता है। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर तो लोग लगा लेते हैं और कहते हैं कि यार हमने इतना सारा ऑयल लगा लिया, हमारे हेयर्स ग्रो होंगे या ग्रो क्यों नहीं हो रहे। वजह यही होती है कि आप लोगों ने रूट्स के अंदर ऑयल नहीं लगाया होता। हम रूट्स के अंदर जब सही से नहीं लगा हुआ होगा तो आपके हेयर्स कैसे ग्रो होंगे। ठीक है, फिर तो हेयर फॉल होना ही है। जब रूट्स में ऑयल नहीं लगेगा तो हेयर फॉल तो होगा। ठीक है, ये भी होती है कुछ रीजंस, ये भी होते हैं कि आप लोग ऑयल सही से नहीं लगाते और उसको ज्यादा टाइम तक नहीं रखते और जल्दी से उसको वॉश कर लेते हैं। तो आप लोगों को आज से ये करना है कि नाइट में आपको ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग की चम्पी करनी है, और वो करके आपको ब्रेड बांध के, अपनी अपने हेयर्स की ब्रेड बांध के रात को सो जाना है। और सुबह को उठ के बाथ ले लेना है, जब भी आपको टाइम मिले आपने बाथ ले लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका एक टिप। दूसरी टिप भी इसी के अंदर थी। ठीक है, कि आपको ब्रेड बनानी है, ब्रेड से आपके हेयर्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये दूसरी टिप थी। और थर्ड टिप ये है कि आप जब अपने हेयर्स को कॉम करते हैं ना, हल्के हल्के हेयर्स को हल्की हल्की कॉम किया करें, ज्यादा यूं यूं करके कॉम नहीं करनी है। ठीक है, और ब्रश तो ज्यादा यूज किया ही नहीं करें। जो लोग ब्रश यूज करते हैं ना, उनके भी बाल बहुत टूटते हैं। ब्रश ज्यादा यूज नहीं करें, कॉम को यूज किया करें। ठीक है, कॉम से अपने हेयर्स बनाया करें। ठीक है, और सबसे एंड की जो टिप मैं आपको दे रही हूँ ना, काफी लोग जो हैं वो ये जो ऑनियन होता है ना, ऑनियन, इसका जूस निकाल कर अपने हेयर्स में लगाते हैं, और इसके जूस से भी हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऑनियन को कट करके पूरा इसका जूस ब्लेंडर में निकालना है। ठीक है, ब्लेंडर में इसका जूस निकालना है और जूस बना के इसको अपने हेयर्स में, पूरे हेयर्स में लगाना है, स्कैल्प में भी लगाना है। इसको लगा के आपको रखना है हाफ हॉर, 1 hour, जितना आप रखना चाहें, 1/2 to 1 hour आप रख सकती हैं, रखें और फिर इसको जाके वॉश कर लें। इस जो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, इस ट्रीटमेंट से भी आपके हेयर ग्रोथ होंगे, हेयर फॉल होने से भी रुकेगा और आपकी हेयर्स में शाइन भी आएगी। तो ये कुछ टिप्स थी जो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि हेयर्स के लिए ये जो मेन टिप्स, ये स्टार्टिंग की टिप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को इस पर करना है अमल, और आप इस पर करेंगी तो इंशाल्लाह आपके बाल जो ग्रो नहीं हो रहे, जो हेयर फॉल हो रहा है, ये सब कुछ इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, कैसा लगा आज का मेरा कंटेंट। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी जस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम एक न्यू वीडियो में मिलेंगे एक न्यू कंटेंट के साथ। मैं चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।